पानी पानी में। और आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि इतनी सारी बारिश हो रही है और इतना मौसम सुहाना, इतना रोमांटिक मौसम है। लेकिन बात करते कुछ टॉयलेट की, क्योंकि काफी बार होते हैं लोग हमेशा, जैसे मैं गा रहा था टिप टिप बरसा पानी, क्योंकि मुझे पता है अभी बारिश हो रही है और मुझे गाना भी है लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे काफी टैलेंटेड बच्चे होते, स्टूडेंट होते, या फिर कुछ और जो है भूतपूर्व जवान जिसे कहा जाता है वो होते, जिनका चाहत होती है कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्मेंसेस देने की या फिर गाने की या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पाने की कि जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि सूरत की जो जनता है, सूरत के जो ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनके लिए काफी खुशखबरी है क्योंकि हमारे बीच आ चुका है कुछ ऐसा रंगमंच जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और अपने आप को एक अलग तरीके से जमाने तक अपनी वॉइस, अपना टैलेंट पहुंचा सकते हो। तो प्लीज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कुछ ऐसे टैलेंटेड प्लेटफॉर्म जो आपको मिलने वाला है। आप देख ही रहोगे कि मेरे पीछे है गायक गुजरात नो, क्योंकि हमें पता है कि सूरत में काफी टैलेंटेड बच्चे हैं और वो चाहते हैं अपना नाम रोशन करना। और एक्सोटिक वेब मीडिया पार्टनर जो है वो भी यही चाहते हैं कि आकर जो टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक चांस मिले आगे जाने का। तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे टैलेंटेड पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में है और जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म देने की यहाँ पे आज आस रखी है, और हम जितने सूरत के सभी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की उन्होंने आज अपने मतलब एक बना ली है हिम्मत के भाई मैं तो जरूर देना चाहूंगी ऐसे टैलेंट को। और थैंक्स कहना चाहेंगे कि गायक गुजरात में जो लेके आए हैं उनके लिए भी। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा ऐसे टैलेंटेड पर्सनैलिटी यामिनी सुकड़िया मैम जो हमारे बीच में है। तो प्लीज मैम वेलकम और थैंक्स। इनको बुलाने का रीजन ये था मैम कि सूरत में जो सभी को बताया गया टैलेंट छुपा हुआ है लेकिन टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और तो थैंक्स कहना चाहूंगा मैं एज अ आर्टिस्ट कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन आप कुछ बताना चाहोगे क्योंकि गायक गुजरात में, तो काफी गुजराती जो गायक होते हैं उनका पूरा दुनिया में नाम है और यहाँ पे भी ऐसे टैलेंट है जो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप किस तरीके से इन लोगों को आगे लेके जाना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे जो गायक गुजरात जो ये शो लेके जो आए हैं, गुजरात के हमारे फेमस जी राजेन भट्ट जी जो हमारे गायक गुजरात के प्रोड्यूसर हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज हमें भी प्रेरणा मिली और हमारे सूरत की जो टैलेंट है, सूरत में बहुत टैलेंट है, आपको शायद पता नहीं होगा बट सूरत में बहुत टैलेंट है। सभी जितने भी मतलब डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो या सिंगिंग में हो, तो इन सभी के लिए ये एक स्टेज हम लोग देना चाहते हैं। वैसे भी मेरी भी 16-17 साल से ऐसी इवेंट्स होती रहती है और हमेशा मैं ऐसे चाहती हूँ कि सभी जो भी टैलेंटेड है छोटे से लेके बड़े तक, तो सबको अगर उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, जैसे सबके पास डिफरेंट कुछ ना कुछ होता है टैलेंटेड चीज़, तो वो यहाँ इसी मंच पे आके सबको ये टैलेंट अपना दिखाए। और बहुत मतलब जो रियलिटी शो में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे बड़े रियलिटी शोज भी होते रहते हैं बट ये गायक गुजरात मतलब गुजरात का स्पेशल शो है, स्पेशली गुजरात के लिए है। और हमारे गुजरात का नाम अगर रोशन करना है तो हमारे ये गायक गुजरात के ऑडिशन में आके ही आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं एक सवाल पूछूं आपको, क्योंकि गायक गुजरात में जय है तो इसमें कोई एज लिमिट ऐसा कुछ रखा होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी एज लिमिट कुछ है नहीं। हाँ, हमने एज ग्रुप रखा है बट उसमें कोई भी आके यहाँ पे इस मंच पे गा सकता है। हमारे हम लोग उसमें कैटेगरीज करने वाले हैं, सीनियर सिटीजन भी आ सकते हैं, 5 साल का बच्चा भी आ सकता है। थैंक यू मैम, और ये काफी बेहतरीन बात है आपने बताई यहाँ पे, और थैंक्स कहना चाहूंगा अगेन कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे थे जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, तो अभी हम ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्होंने जो पर्सनालिटी है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म देने का आज यहाँ पे डिसाइड किया है कि ऐसे टैलेंट लोगों को आगे लेके जाएगा, तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप अपने शुभ जो शब्द है उनको जरा अपने शब्दों से इंट्रोड्यूस कराएं। जी, मैं बुलाना चाहूंगी राजेन भट्ट जी को। प्लीज सर वेलकम, आप आइए। और मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ, इसीलिए जानना चाहूंगी कि लोगों को भी पता चले कि आप क्या पर्सनालिटी हो। सही है, एकदम सही। या क्योंकि ऐसा है कि लोग बातें तो करते रहते हैं, मेरी भी बहुत बातें होती रहती है कि यामिनी मैम बहुत फेमस है, बहुत नाइस पर्सनालिटी है, बट किसी के मुंह से अगर सुने ना तो वैसे वो अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। और काफी अच्छा लगता है शब्दों से अच्छा, अगर दो शब्द गा के सुने ना तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो सर मैं आपके लिए दो शब्द, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सनालिटी, क्या खूब लगते हो,
आगे का आप लोग अपना लगा लेना जो भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ खूब इसलिए लग रहे क्योंकि ये चांस दे रहे ऐसे टैलेंटेड बंदों को, ऐसे टैलेंटेड सभी जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स से लेकर सभी लोग जो है उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे, तो थैंक यू सर। लेकिन आप कुछ चीजें शेयर करना चाहोगे क्योंकि हमारे सूरत में काफी ज्यादा टैलेंट है और बच्चे चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, तो प्लीज सर शेयर समथिंग। गायक गुजरात ना ये जो हमारा रियलिटी शो आ रहा है, हम लोग ये दावा नहीं करते हैं कि ये रियलिटी शो गुजरात का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन इसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी गाना गा सकता है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप गायक बनना चाहते हैं, तो हमने टाइटल रखा है गायक गुजरात में। सूरत में आज हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं, यामिनी जी का बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि यामिनी जी ने यहाँ पर हमें बहुत सपोर्ट किया। सूरत में हमें पता नहीं था कि सूरत में इतना टैलेंट है, लेकिन आज जिन बच्चों को हमने सुना और हमारे साथ यहाँ सूरत से ही गुणीजन एज अ जज यहाँ पर उपस्थित रहे, हमें सपोर्ट दिया, उनके बदले में हम उनके भी काफ़ी आभारी हैं। और एग्जोटिक वेब मीडिया, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 महीने से 45 डेज से यामिनी जी ने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की, और थैंक्स टू सूरत की यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता इतनी बारिश होने के बावजूद भी इतनी तादाद में यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए। अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो आइए गायक गुजरात में। और मैं आप सभी को बता दूं कि सर इसको कहा जाता है गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी कहा जाता है इसे, कि यहाँ पे हर डायमंड होता है, डायमंड सिटी है। तो आपको आज लगा कि ऐसे डायमंड जो स्टार है, जो आर्टिस्ट है, आपको यहाँ से मिलेंगे? डायमंड स्टार्स डेफिनेटली मुझे लगा, और यहाँ के जो बच्चे हैं क्लासिकल भी सीख रहे हैं, सेमी क्लासिकल भी सीख रहे हैं, और नेचुरल भी, उनके पास गॉड गिफ्ट भी है, ऐसे भी लोग आए। फोक म्यूजिक हो या तो सुगम संगीत हो या तो फिल्मी बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिक हो, तो बहुत ही बढ़िया गाया उन्होंने। और गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी के साथ यहाँ के लोग भी गोल्डन है, यहाँ के लोग भी डायमंड है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी जो यामिनी जी ने किया हमारा यहाँ पर, हमने बहुत ही एंजॉय किया सूरत में। थैंक यू। मैं भी राजन जी पूछना चाहूँगी आपको कि ये गायक गुजरात नो ये टाइटल है और आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा शो, तो आपको ये विचार कैसे आया और क्यों कर रहे हैं आप ये शो? इसमें ऐसा है यामिनी जी कि काफ़ी कोई कुछ बच्चे हमारे पास आते थे ड्यूरिंग द कॉमर्शियल शोज, जो बड़े बड़े सिंगर्स के शोज होते थे, उसमें काफ़ी बच्चे हमारे पास आते थे कि सर मुझे एक गाना गवाइए, मुझे एक गाना गवाइए। लेकिन बिकॉज ऑफ कॉमर्शियल शोज तो, और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो उनको अलाउ भी, क्योंकि वो कॉमर्शियल शोज होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, तो अलाउ हम लोग उनको कर नहीं सकते क्योंकि ऑडियंस भी सामने बहुत ही बड़ी तादाद में होती है। और परिवर्तन है वो दुनिया का, मीन्स ये धरती का नियम है कि परिवर्तन आता है। मुकेश जी आए, रफ़ी साहब आए उनके पास, उनके बाद किशोरदा है, किशोरदा के बाद भी एक पीढ़ी आए, आज अरिजीत सिंह है, नेहा कक्कर है, तो उनके आगे बढ़कर भी क्या, ये सोच आई। दूसरा ये है कि गुजरात के बच्चे, गुजराती प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं होता है ऐसे लोग मानते हैं, वो बात झूठलाने के लिए कि गुजराती बच्चे बहुत खूब गा सकते हैं, और उनको आगे लाने के लिए, उनका टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए गायक गुजरात, उनका टाइटल भी ऐसा ही रखा है कि गायक गुजरात। बहुत ही अच्छी बात है राजन जी। और अभी हमारे साथ जो आज हमारे मेरे आमंत्रित को मान देके उन्होंने यहाँ पे आके जज किया है, उनको मैं बुलाना चाहूंगी आनंदम जी को। प्लीज सर आप आइए। बहुत अजीज आनंदम जी, क्या बात, उनके पास हम आज एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे। जी 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 जी, जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही अच्छा हमारे ये सूरत के जो टैलेंटेड टैलेंट था सूरत का, क्योंकि बच्चे तो नहीं कह सकते क्योंकि सभी लोग आए थे मेरे ख्याल से, जूनियर से लेके सीनियर तक लोग थे, तो आपको ये आज जज करके आपको कैसा लगा? नहीं आप जो बोले वो ना उम्र की सीमा ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये बात है, संगीत में कोई उम्र नहीं होती। या बिल्कुल सही बात है। तो वैसे आप ये गायक गुजरात का जो शो है जी, तो आपको ये आगे अभी आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं हमारे नए जो जुड़ेंगे जो भी ऑडिशन देने के लिए, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जो सुर में रक्त रहता है उसको सूरत कहते हैं। क्या? तो ये बहुत सालों से पहले पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जो जिनकी साधना यहाँ पे हुई थी, वो भी ग्वालियर पटियाला घराना के थे, तो रग रग में सूरत के रग रग में जो मैंने बोला सुर में रत रह रहे बोला, ये शहर है तो इस पर काफी अच्छा हमें टैलेंट मिल सकते हैं। क्या बात। और आज जो जिन्होंने गाया उनको सुनते हुए भी ऐसा लगा कि काफी आगे जा सकते हैं। अभी आप जैसे राजन भाई यामिनी जी और हमारे जिग्नेश भाई सब अपन मिलके उन लोगों को टैलेंट को खोजते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, चले भी अकेले कभी कारवां मिलता जाएगा। आपने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग दिया और हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और नेक्स्ट हमारे जो भी प्रोग्राम रहेंगे हम आपको बिल्कुल ही उसमें आमंत्रित करेंगे, तो आपको जरूर आना पड़ेगा जी। और हमारे साथ आज एक और है अमित जी, जिन्होंने हमें ये मतलब हॉल प्रोवाइड किया है ऑडिशन के लिए, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छा मोनार्क स्टूडियो है, अभी अभी ये नया स्टूडियो बना है और अमित जी ने हमें बहुत ही सहकार दिया है और ऑडिशन के लिए उनका हर बार फोन आता रहता था कि मैडम ये, मैडम वो, मैडम ये, मतलब जैसे जैसे कहते ना एक टीम मेंबर, जब टीम वर्क होता है ना, टीम मेंबर जब काम करता है ना, तब एक उसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो जैसे अमित जी भले ही ये मोनार्क के ऑनर है बट हमारे साथ एक टीम मेंबर की तरह जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे फील हुआ। तो अमित जी आपको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी, आपने हमें इतना अच्छा ये हॉल प्रोवाइड किया, तो मैं आपके मुँह से भी दो शब्द सुनना चाहूंगी। वैसे मैं बता दूं कि अमित जी भी संगीत के ही जीव है और संगीत उनके नस नस में, हालांकि वो बिल्डर है और मुझे तो आश्चर्य होता है कि बिल्डर और संगीत, क्योंकि सेंटिमेंटल और हार्डकोर बिजनेस वो दोनों का सही मिश्रण है, सही सम्मिश्रण है, ये बैलेंस है। अमित जी प्लीज। संगीत तो है हर लोगों के लिए जरूरी है, तो हमेशा एक सोच थी कि भाई ये सूरत में जहां भी जाता हूं मैं आर्ट कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं, बट तो सूरत में ये एरिया जो है राजन पाल एरिया बोलते हैं, वहां पे इतना आर्ट और कल्चर के लिए इतनी जगह नहीं थी। हमेशा सोच रहा था कि ऑडिशंस को, वर्कशॉप, सेमिनार्स, म्यूजिक की कुछ भी चीजें हो तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, तो जगह पैसा कमाने के लिए नहीं बट आर्टिस्ट के लिए एक कुछ चीज बने, तो उसी के लिए आज हमने मोनार्क स्टूडियो बनाया है हम लोग के, यहाँ आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सर। जैसे कि हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं और सर भी जो मैं मिला है क्योंकि बिल्डर होके इनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है जिनको शायद चांस आज तक मिला है काफी बार लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सर हम आपको थोड़ा सा चांस देते हैं यहाँ पे 2-5 सेकंड के लिए, क्योंकि दो लाइन आपको तो गाने हो गए, क्योंकि हम बात कर रहे गायक गुजरात नो और गुजरात में जब हम है और खास करके सूरत में दो लाइन तो बनती है। मैं इतना अच्छा नहीं सर, ये प्रोड्यूसर साहब जो है ना
वो चाह रहे कि अच्छे सिंगर मिले, लेकिन हमारे जैसे जो सिंगर है ना वो भी जरूरी है, तो इनको पता कैसे चलेगा कि अच्छे कौन है, तो हम एक जैसे ही है। बस इतना कहोगे आज जाने की जिद ना करो बस, और लोग आते रहे और ये सब पूरी रात चलती रहे बस अच्छा हो, आज जाने की जिद ना करे बस। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और सभी इतना प्लेटफॉर्म को एक जगह पे लाना, सभी लोगों को मिलाना और इतने लोगों का फॉलोअप लेना, साथ ही साथ में इतने टैलेंट्स को बढ़ावा देना, तो ये काफी बड़ा काम होता है। इस काम के लिए कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता, तो पूरी टीम उसमें लगती है। तो ऐसी टैलेंटेड टीम जो है एक्सोटिक वेब मीडिया की, तो प्लीज मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि इन्होंने सभी लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है और टैलेंट तक खुद जाके पहुंचे और टैलेंट को यहाँ तक लाना इतना इजी नहीं था। तो थैंक यू आपके लिए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए मैम। और मुझे पता है कि ये टीम में ना काफी ज्यादा सिंगर है, दोनों काफी अच्छा गाते भी हैं, तो ये कट किया जाए दूसरा कुछ बोल। तो आप लोगों ने जो इतने स्टूडेंट है, इतने जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सभी को यहाँ तक लाए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, आपका काफी शुक्रिया अदा करना चाहते हम लोग, क्योंकि इतना इजी नहीं था मैम। और एक्सोटिक वेब मीडिया जो है वो चाहता ही यही है कि ऐसे टैलेंट को बढ़ावा मिले और ये लोग आगे बढ़े। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे आपके टीम के बारे में? मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी टीम को, क्योंकि ऑलवेज मैं रात को 2 बजे बुलाऊं तो भी मेरी टीम आ जाती है। ऐसी मेरी टीम मैंने ही डेवलप की हुई है, मेरे ही जैसी मैंने डेवलप की हुई है, तो ऐसे ही मतलब मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और लोगों को हम न्याय दे पाएंगे। डेफिनेटली, और काफी टैलेंट आ सकता है। जी बिल्कुल। और हमारे साउंड ऑपरेटर जो है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी आज बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट किया कि विदाउट साउंड मतलब ओनली फॉर माइक का लेके ही जिनको परफॉर्म करवाना था वो सभी को अच्छे से परफॉर्म करवाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और साथ में हमारे कैमरामैन जो है अहमदाबाद से आए हुए, पूरी टीम जो गायक गुजरात की है, सभी को थैंक यू। हमारे सूरत में आप लोग आए हैं और अगर हमारे से कुछ भूल हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये सूरत की लैंग्वेज है, हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी गलती हो ना तो ये लोग बताएंगे नहीं कि गलती कुछ। तो ये सारी चीजें होने वाली, लेकिन आपके टैलेंट को जरूर यहाँ पे एक चांस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपना भी ऑडिशन देना और गायक गुजरात नो इसमें पार्टिसिपेट करना, तो प्लीज अभी चालू है क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन आप दे सकते हो। अगर अपना छोटा सा क्लिप है तो आप वेब मीडिया जो एक्सोटिक वेब मीडिया उनको दे सकते हैं, यामिनी मैम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और एक चांस हो सकता है आपका आगे बढ़ने का, एक प्लेटफॉर्म मिलने का और पूरे गुजरात में आप खुद का नाम रोशन कर सकते हो, साथ ही साथ में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और थैंक यू कहना चाहूंगा अगेन मैं आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कदम यहाँ पे उठाया और इतने टैलेंटेड लोगों को आप चांस दें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।